इसी से यहाँ बल्ब का देखेंगे लाइट भी कम और अधिक हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर कंटिन्यूटी भी हाई और लो शो करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर ऐसा हो तो ये समझेंगे कि एडिशन इसका जो फीडबैक स्टेज है इस पावर सप्लाई का वो सही काम है कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑलफील्ड कमांड चैनल में स्वागत है और इस वीडियो के जरिए आप समझेंगे कि किस प्रकार से एसटीआर जो पावर सप्लाई होता है उस पावर सप्लाई में जो फीडबैक स्टेज होता है हम लोग देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फीडबैक स्टेज फैला होता है। इसमें देखेंगे कि यहाँ एसटीआर यूज़ किया गया है और इस एसटीआर पावर सप्लाई में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि एसटीआर पावर सप्लाई को हम लोग बनावट के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। रिपेयरिंग के सुविधा के अनुसार है उसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज है जो कि एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में बदलने का काम करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेक्शन होता है इसको हम लोग एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज बोलते हैं। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज जो एसटीआर के अंदर ही बना और एसटीआर के काम में सहायता प्रदान करने के लिए इसके साथ एसटीआर के साथ कुछ कंपोनेंट भी यूज़ में लाए जाते हैं। तो एसटीआर जो पावर सप्लाई होता है इसमें देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक फीडबैक स्टेज बना हुआ है। इसका काम क्या है कि अगर किसी कारणवश पावर सप्लाई के आउटपुट से अगर सप्लाई आवश्यकता से अधिक हाई निकले या लो निकले तो इसकी इन्फॉर्मेशन है इन यहाँ लगे हुए विभिन्न कंपोनेंट के ज़रिए हम लोग एसटीआर के पिन नंबर 4 को देते हैं। यहाँ जो एसटीआर लगा होता है इसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं कि इस एसटीआर के पिन नंबर 4 को फीडबैक स्टेज से आने वाला इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं। एसटीआर जो पावर सप्लाई होता है इसके फीडबैक स्टेज से रिलेटेड अनेकों फॉल्ट होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के जरिए समझा है कि किस प्रकार से फीडबैक स्टेज में फॉल्ट हो जाने से कौन कौन से फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ इस वीडियो के जरिए हम लोग बहुत ही ईजी वे में ये समझ पाएंगे कि एसटीआर में लगा हुआ जो फीडबैक स्टेज होता है इसकी हम लोग किस प्रकार से जाँच करेंगे। पार्ट 5 की वीडियो में हम लोगों ने एसटीआर पावर सप्लाई की फीडबैक स्टेज की जांच किस प्रकार से थ्योरेटिकली करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। आज प्रैक्टिकली रूप से ये समझेंगे कि एसटीआर पावर सप्लाई की जांच हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ देखेंगे यहाँ के वोल्टेज में किसी प्रकार का बदलाव होता है या यहाँ का वोल्टेज अगर अप और डाउन होता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन वोल्टेज के बदलाव के रूप में ऐसे होते हुए ऑप्टो कपलर को देते हैं और ऑप्टो कपलर से होते हुए एसटीआर के पिन नंबर 4 के वोल्टेज को बदलाव करके एसटीआर के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इस एसटीआर पावर सप्लाई में फीडबैक स्टेज के लिए दो प्रकार के सप्लाई यूज़ में लाया गया है। एक 11 वोल्ट की सप्लाई ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 1 को देने के लिए और दूसरी सप्लाई जो है 110 की सप्लाई लेकर के ऐसे होते हुए ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 2 को देने के लिए कि यहाँ की वोल्टेज की क्या स्थिति है उसकी इन्फॉर्मेशन इसकी सूचना वोल्टेज के बदलाव के रूप में यहाँ देने के लिए 110 का यूज़ किया गया है और 11 वोल्ट का यूज़ किया गया है। तो ये कैसे समझेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फीडबैक स्टेज बना हुआ है इसकी हम लोग कैसे जांच करेंगे इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के जरिए समझा था। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि एसटीआर पावर सप्लाई कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ केवल 110 का जो लाइन होता है 110 वोल्ट का जो लाइन केवल उस लाइन का ही प्रयोग है फीडबैक स्टेज के रूप में किया जाता है। और कुछ एसटीआर पावर सप्लाई में कुछ ऐसे भी पावर सप्लाई होते हैं जिसमें 110 के अलावे यहाँ 11 वोल्ट का भी प्रयोग फीडबैक स्टेज के रूप में किया जाता है। तो चूंकि यहाँ दोनों सप्लाई का यूज़ किया गया है फीडबैक स्टेज के लिए तो यहाँ हम लोग दो तरह का सप्लाई देंगे। वो किससे देंगे तो उसको सप्लाई देने के लिए हम लोग एक एडिशनल पावर सप्लाई ले लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यह एडिशनल पावर सप्लाई है और इस पावर सप्लाई से 11 वोल्ट निकाल करके यहाँ देंगे और 110 वोल्ट निकाल करके 110 वोल्ट की सप्लाई लेकर के यहाँ देंगे और ग्राउंड की सप्लाई यहाँ देंगे। इस किट के पीसीबी साइड से देखेंगे कि यहाँ जो एसटीआर यूज़ किया गया है इस एसटीआर के पिन नंबर 4 को आउटपुट में निकलने वाले वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन इसकी सूचना कि वोल्टेज की क्या स्थिति है वोल्टेज कम है या अधिक है इसकी इन्फॉर्मेशन है वोल्टेज के बदलाव के रूप में पिन नंबर 4 को देते हैं। वो कैसे देते हैं तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के जरिए पार्ट 4 की वीडियो के जरिए बहुत ही ईजी वे में हम लोगों ने समझा है। आज संक्षिप्त में समझते हुए हम लोग फीडबैक स्टेज की जाँच करेंगे। तो देखेंगे कि अगर यहाँ का वोल्ट किसी कारणवश हाई और लो हो जाए तो इसकी इन्फॉर्मेशन वोल्टेज के बदलाव के रूप में ऐसे होते हुए यहाँ देते हैं। यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है और फिर एक रजिस्टर लगा होता है। दो रजिस्टर के द्वारा यही वोल्टेज में बदलाव कब वोल्टेज में बदलाव होगा जब यहाँ का वोल्टेज किसी कारणवश पावर सप्लाई अगर सही रूप से काम नहीं करे
अगर पावर सप्लाई सही रूप से काम नहीं करता हो तो उस स्थिति में यहाँ के वोल्टेज की बदलाव की इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हुए एक रजिस्टर के द्वारा फिर एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ TL431 के टर्मिनल नंबर एक को देते हैं। जब एक को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ का जो वोल्ट में चेंज होता है, बदलाव होता है। अगर आप चाहेंगे तो मैनुअली रूप से भी यहाँ के वोल्टेज को बदल सकते हैं। इसके लिए यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर एक प्रीसेट लगा होता है, प्रीसेट की ट्यूनिंग करके भी आप यहाँ के वोल्टेज को बदल सकते हैं। कब बदलेंगे? जब यहाँ का वोल्टेज आवश्यकता से अधिक या कम निकले तो उस स्थिति में यहाँ के प्रीसेट की ट्यूनिंग करके हम लोग वोल्टेज को चेंज करते हैं। या ऑटोमेटिक ढंग से कैसे होता है कि अगर यहाँ का वोल्ट किसी कारणवश अगर लो हो जाए, हाई हो जाए, तो ऑटोमेटिक ढंग से वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ की इन्फॉर्मेशन, यहाँ की सूचना वोल्टेज के बदलाव के रूप में यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा फिर एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ देते हैं। TL431 जो एडजस्टेबल जिनर लगा होता है उसका टर्मिनल नंबर एक को देते हैं, और इसका टर्मिनल नंबर दो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक जम्पर के द्वारा निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। और इसका जो तीन नंबर जो टर्मिनल है वो ऐसे होते हुए देखेंगे कि तीन नंबर जो टर्मिनल है वो ऐसे होते हुए ये सीधे चला जाता है ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर दो को। और इसके बाद देखेंगे कि यहाँ जो ऑप्टो कपलर है उसका टर्मिनल नंबर एक जो होता है वो 11 वोल्ट के लाइन से इसको सप्लाई देते हैं। तो देखिएगा कि इसी पावर सप्लाई में यहाँ से यहाँ 11 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है, और यहाँ से निकलने वाला 11 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे कि ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा ऐसे होते हुए इस ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर एक को वोल्ट देते हैं। जबकि यहाँ पर भी वोल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ का वोल्ट के जो बदलाव होता है उसकी सूचना यहाँ देते हैं। जब यहाँ का वोल्ट में जब बदलाव होता है तो उसी अनुसार से इस ऑप्टो कपलर का जो टर्मिनल नंबर 3 और 4 होते हैं, इसके अंदर फोटो जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, यहाँ का वोल्टेज में बदलाव होता है, चेंज होता है। अगर यहाँ का वोल्टेज बदले और यहाँ का वोल्टेज नहीं बदले तो ये समझेंगे कि ऑप्टो कपलर की खराबी है। और यहाँ देखेंगे कि ऑप्टो कपलर का जो टर्मिनल नंबर 3 होता है, यहाँ टर्मिनल नंबर ऑप्टो कपलर का 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4 है। तो ऑप्टो कपलर का टर्मिनल नंबर जो 3 होता है वो यहाँ से यहाँ एक जम्पर के द्वारा निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। ये जो टर्मिनल नंबर जो 3 है वो निगेटिव लाइन से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। और जबकि टर्मिनल नंबर जो 4 होता है ऑप्टो कपलर का, वो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ एक जम्पर के द्वारा डायरेक्ट STR के पिन नंबर 4 से जुड़ा होता है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में जब फिट करके जब चेक करेंगे तो ऑप्टो कपलर का जो टर्मिनल नंबर जो 4 होगा वो इसके पिन नंबर 4 से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। और जबकि ऑप्टो कपलर का जो टर्मिनल नंबर जो 3 होता है उसको निगेटिव लाइन से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में फिट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे तो ऑप्टो कपलर का जो टर्मिनल नंबर जो 3 होता है वो निगेटिव लाइन से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। यहाँ अभी किसी प्रकार का सप्लाई जो है पावर सप्लाई में नहीं देना है। अगर फीडबैक स्टेज की आप जांच करना चाहते हैं तो पावर सप्लाई में किसी प्रकार के सप्लाई नहीं दे करके हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो टर्मिनल नंबर जो इसका जो ऑप्टो कपलर का जो टर्मिनल नंबर 3 है इसको यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो देखिए ये निगेटिव लाइन है, निगेटिव लाइन से जब यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो इसको कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। कहाँ? तो ऐसे चेक करेंगे तो यहाँ जो है इसका जो टर्मिनल नंबर जो 3 है या जो है ऑप्टो कपलर का वो जो है निगेटिव लाइन से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। और जबकि टर्मिनल नंबर जो 4 है वो STR के पिन नंबर 4 से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो देखेंगे कि यहाँ पर 4 से कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो STR का जो पिन नंबर 4 है वो डायरेक्ट इस जो ऑप्टो कपलर है उसके पिन नंबर 4 से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। अब हम लोग इस यहाँ से यहाँ लगा हुआ जो फीडबैक स्टेज है उसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे कि ऑप्टो कपलर का जो टर्मिनल नंबर जो 4 होता है उसका कनेक्शन STR के पिन नंबर 4 से काट देंगे। और काटने के बाद यानी कि यहाँ से यहाँ जो जम्पर लगा होगा इस जम्पर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। और करने के बाद यहाँ हम लोग मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में फिट कर देंगे। और यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ जो है हम लोग कंटिन्यूटी की जाँच करेंगे। कब जाँच करेंगे? तो यहाँ जो है 110 वोल्ट की सप्लाई देंगे। फीडबैक लाइन में जो जो सप्लाई का यूज़ किया गया है वहाँ सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर 110 वोल्ट का यूज़ फीडबैक लाइन के लिए किया गया है, और साथ ही साथ 11 वोल्ट का जो लाइन है उसका यूज़ फीडबैक लाइन के लिए किया गया है। तो यहाँ पर 11 वोल्ट की सप्लाई देंगे और यहाँ पर 110 वोल्ट की सप्लाई देंगे और यहाँ ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे। और जैसे ही यहाँ सप्लाई देंगे तो देखिएगा अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर फीडबैक स्टेज सही होगा तो यहाँ आपको कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी करने में फिट करेंगे और फिट करने के बाद यहाँ कंटिन्यूटी शो होना चाहिए। कब? जब यहाँ सप्लाई देंगे तो यहाँ कंटिन्यूटी शो होगा, और सप्लाई जब नहीं देंगे तो यहाँ कंटिन्यूटी शो नहीं होना चाहिए।
इस किट के कंपोनेंट साइड में जो लगा हुआ जो जंपर है उसको हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे, और डिस्कनेक्ट करने के बाद में यहाँ जो जंपर लगा हुआ है उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर दिए, और डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग इसको पलटते हुए और फीडबैक स्टेज की जांच कैसे हम लोग बहुत ही इजी वे में करते हैं उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो यहाँ मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में फिट करते हुए अब हम लोग ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर जो 4 होता है, इस 4 का कंटिन्यूटी इसके पिन नंबर 4 से चेक करेंगे कि अब शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो जंपर लगा होता है उस जंपर को हम लोग डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। किस लिए डिस्कनेक्ट किए हैं? ताकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक शो फैला हुआ जो फीडबैक स्टेज है उसकी जाँच करने के लिए ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 4 का कनेक्शन जो कि पिन नंबर इसके एसटीआर के 4 से जुड़ा होता है उसका डिस्कनेक्ट कर देंगे, और करने के बाद ही हम लोग जांच करेंगे। तो अभी देखेंगे कि ऑप्टो कपलर का ये जो 4 नंबर जो टर्मिनल है इस एसटीआर के पिन नंबर 4 से कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। तो देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है। जब यहाँ कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है जबकि इसका जो टर्मिनल नंबर जो 3 है वो निगेटिव लाइन से कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो यहाँ जो है जब इस जंपर को डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ अब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में फिट करते हुए यहाँ किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं देना है। जो एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज है इसमें किसी भी प्रकार की सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनल पावर सप्लाई ले लेंगे, और एडिशनल पावर सप्लाई के द्वारा यहाँ हम लोग ग्राउंड, यहाँ 110 और यहाँ 11 वोल्ट की सप्लाई देंगे, और यहाँ मल्टीमीटर को अभी कंटिन्यूटी के रेंज में फिट कर चुके हैं, और यहाँ जब चेक करेंगे तो जैसे ही सप्लाई देंगे तो यहाँ कंटिन्यूटी शो होना चाहिए। और अभी हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि अभी किसी भी प्रकार का कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है, चाहे वो ऐसे चेक करेंगे या ऐसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर के तार को उलट कर पलट कर जैसे भी चेक करेंगे तो यहाँ किसी भी प्रकार के कंटिन्यूटी शो नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का यहाँ कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है। अब देखेंगे कि जो ऑप्टो कपलर का टर्मिनल नंबर जो 4 है वो ना तो आपको प्राइमरी या सेकेंडरी, ये देखिएगा कि ये सेकेंडरी लाइन है, सेकेंडरी लाइन में किसी भी कंपोनेंट से इसके ऑप्टो कपलर का जो 4 नंबर जो टर्मिनल है वो किसी भी टर्मिनल से कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। यहाँ देखेंगे कि किसी भी टर्मिनल से कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा कौन, तो यहाँ जो ऑप्टो कपलर का जो टर्मिनल नंबर जो 4 है वो किसी भी टर्मिनल से कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा। साथ ही साथ जो जबकि यहाँ जंपर जो डिसकनेक्ट कर दिए हैं तो यह जो 4 नंबर जो टर्मिनल है वो प्राइमरी साइड में भी किसी भी टर्मिनल से एसटीआर के किसी भी पांव से या यहाँ लगे हुए जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो किसी भी कंपोनेंट से यहाँ कंटिन्यूटी शो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इस फीडबैक स्टेज की जांच करने के लिए हम लोग यहाँ मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को यहाँ फिट करेंगे। मल्टीमीटर को 2000 किलो के रेंज में फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद यहाँ मल्टीमीटर के एक प्रोब को यहाँ फिट करेंगे, एक प्रोब को यहाँ फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए यहाँ पर एक सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, और सॉकेट का कनेक्शन करने के बाद हम लोग इस फीडबैक स्टेज की जांच करेंगे कि किस प्रकार से समझेंगे कि फीडबैक स्टेज सही है कि खराब है। तो देखिए यहाँ एक सॉकेट का कनेक्शन कर रहे हैं ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 3 पर, सॉकेट का एक वायर को यहाँ या यहाँ दोनों में से यहाँ से लेकर यहाँ कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ जो है एक तार को जोड़ दिए, और सॉकेट के दूसरे तार को यहाँ या यहाँ कहीं भी जोड़ सकते हैं, बात बराबर है, तो यहाँ जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ जो है इस सॉकेट में हम लोग मल्टीमीटर के दोनों प्रॉब को फिट करेंगे, ताकि मल्टीमीटर का प्रॉब एक जगह जो है स्थिर हो जाए, और इसके बाद हम लोग यहाँ सप्लाई देंगे एडिशनल पावर सप्लाई से। और जैसे ही सप्लाई देंगे तो देखेंगे कि यह दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टिव शो करेंगे, और जब सप्लाई नहीं देंगे तो यहाँ कंटिन्यूटी शो नहीं करेंगे। अभी यहाँ मल्टीमीटर को 2000 किलो के रेंज में फिट किए हुए हैं और चेक कर रहे हैं तो यहाँ किसी भी प्रकार की कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है। मल्टीमीटर के काला तार को यहाँ फिट कर देते हैं, इसमें जो है मल्टीमीटर के काला तार को फिट कर देंगे, और लाल तार को मल्टीमीटर के लाल तार को इसमें फिट कर देते हैं। और फिट करने के बाद यहाँ जब फिट कर दिए तो इस मल्टीमीटर के तार को एक जगह पहले फिक्स करेंगे। तो देखिए मल्टीमीटर के ये जो वायर है इसको वायर को यहाँ ले करके एक जगह फिक्स कर देंगे, इस प्रकार से ऐसे जो है फिक्स करते हुए यहाँ पर रख देंगे। और रखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो है एडिशनल पावर सप्लाई से सप्लाई देंगे, जो यहाँ मल्टीमीटर के तो यहाँ दोनों तार को फिट कर दिए, अब यहाँ पर एडिशनल पावर सप्लाई के द्वारा यहाँ पर सप्लाई देंगे। यहाँ पर 110 की सप्लाई देंगे, यहाँ पर 11 वोल्ट की सप्लाई देंगे, और यहाँ पर ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे। और जैसे ही कनेक्शन करेंगे, और यहाँ किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं देना है, जैसे ही कनेक्शन करेंगे सप्लाई देंगे तो देखिएगा कि यहाँ मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी शो होना चाहिए, और सप्लाई नहीं देंगे तो कंटिन्यूटी शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं किए हैं। तो देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि यह एडिशनल पावर सप्लाई है, इस एडिशनल पावर सप्लाई में यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, और जब 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो देखेंगे कि यहाँ से ग्राउंड, और यहाँ से 110 वोल्ट की सप्लाई, और यहाँ से 11 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि 11 वोल्ट की सप्लाई, 110 वोल्ट की सप्लाई, 110 की सप्लाई, और यहाँ पर ग्राउंड की सप्लाई। तो ये तीनों
तरह तीनों तार का कनेक्शन लेकर के और इस पावर सप्लाई के आउटपुट में उसका कनेक्शन करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर सप्लाई देंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कंटिन्यूटी शो होना चाहिए। अगर शो हो तो ये समझेंगे कि फीडबैक स्टेज सही काम कर रहा है। तो यहाँ से इस तार का कनेक्शन ग्राउंड, ये ब्लू तार जो है ग्राउंड के लिए कनेक्शन किया गया है। यहाँ जो है ग्राउंड का कनेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ जो है ग्राउंड का कनेक्शन कर दिए। इसके बाद देख रहे हैं कि 110 के लिए यहाँ पर रेड वायर का कनेक्शन किया गया है, तो रेड वायर का कनेक्शन 110 के लाइन में कर देंगे। तो 110 का लाइन देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ फैला हुआ है, तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं या यहाँ भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर 110 का कनेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ले जा करके 110 का कनेक्शन कर देते हैं, तो यहाँ पर 110 का कनेक्शन करेंगे। इसके बाद ये 11 वोल्ट के लिए यहाँ से 11 से 12 वोल्ट की सप्लाई आपको प्राप्त होगी एडिशनल पावर सप्लाई से। तो यहाँ से जो 11 से 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी इसको लेकर के 11 वोल्ट के लाइन में जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर दे देंगे, क्योंकि इस पावर सप्लाई में 11 वोल्ट के लाइन का प्रयोग है जो है फीडबैक स्टेज के लिए किया गया, इसलिए यहाँ पर 11 वोल्ट की सप्लाई देना होता है। और अगर कुछ ऐसे भी एसटीआर का पावर सप्लाई होते हैं जहाँ पर केवल 110 वोल्ट का लाइन का ही प्रयोग फीडबैक स्टेज के लिए किया जाता है, तो केवल 110 वोल्ट की सप्लाई देना होता है। तो यहाँ पर सप्लाई देती है, और जब सप्लाई दे दिए तो अभी कनेक्शन कर चुके हैं, और सब इसमें जैसे ही सप्लाई देंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी शो होगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर बल्ब का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि पावर सप्लाई तो एक बल्ब ले रहे हैं, और बल्ब का एक तार को यहाँ जो 110 के लाइन में जो है पर फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर के किसी एक टर्मिनल पर बल्ब के एक तार को जोड़ देंगे और एक टर्मिनल पर बल्ब के दूसरे तार को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ ले जाकर के बल्ब के एक तार को एक टर्मिनल पर जोड़ देंगे और बल्ब के दूसरे तार को कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल पर जोड़ेंगे। तो एक तार को यहाँ जोड़े और एक तार को यहाँ जोड़ेंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे जब कनेक्शन कर दिए तो जैसे ही सप्लाई देंगे तो देखेंगे कि यहाँ का बल्ब भी जलेगा और साथ ही साथ यहाँ कंटिन्यूटी भी शो होना चाहिए। तो पहले इस बल्ब को एक जगह फिक्स करते हुए सही पोजीशन में रखते हुए और अब हम लोग जो है इसकी जांच करेंगे। तो देखिए अभी इसको सप्लाई देने जा रहे हैं, जैसे ही सप्लाई देंगे तो बल्ब जलेगा और साथ ही साथ है यहाँ कंटिन्यूटी शो होना चाहिए। तो देखते हैं सप्लाई दे करके, तो यहाँ पर सप्लाई दिए, जैसे ही सप्लाई दिए तो देखें कि यहाँ कंटिन्यूटी शो होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही सप्लाई यहाँ काटेंगे, यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर सप्लाई जो है जैसे ही काट रहे हैं तो देखेंगे कि कंटिन्यूटी शो होना समाप्त हो गया। तो यहाँ कंटिन्यूटी शो होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ इस पावर सप्लाई में प्रीसेट लगा होता है, तो प्रीसेट की जब ट्यूनिंग करेंगे तो ट्यूनिंग करने की स्थिति में देखिएगा कि यहाँ बल्ब का जो लाइट होगा वो कम और अधिक होगा, यानी कि यहाँ 110 की सप्लाई की जो सप्लाई होगी उसकी वैल्यू लो और हाई होगी, और उस स्थिति में यहाँ जो है आपका कंटिन्यूटी शो करना चाहिए और कभी शो नहीं करना चाहिए। तो इसको सप्लाई को काटते हुए और इस एडिशनल पावर सप्लाई को पलटते हुए हम लोग आगे समझेंगे। तो देखिए इस एडिशनल पावर सप्लाई को इसको पलटते हुए अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ सप्लाई देंगे और सप्लाई दे करके यहाँ इसकी ट्यूनिंग करेंगे, और जैसे ही इसकी ट्यूनिंग करेंगे तो ट्यूनिंग करने के बाद तो यहाँ ट्यूनिंग कर रहे हैं, और जैसे ही ट्यूनिंग करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही ट्यूनिंग करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ कंटिन्यूटी शो करना बंद हो गया, और जैसे ही फिर जो है देखेंगे कि यहाँ पर फिर ट्यूनिंग कर रहे हैं तो देखिए कंटिन्यूटी शो होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ कंटिन्यूटी जो है जैसे जैसे यहाँ बल्ब का देखेंगे लाइट भी कम और अधिक हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर कंटिन्यूटी भी हाई और लो शो करना चाहिए। इस प्रकार से अगर ऐसा हो तो ये समझेंगे कि एडिशन इसका जो फीडबैक स्टेज है इस पावर सप्लाई का वो सही काम है कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप चाहेंगे तो यहाँ इसमें लगा हुआ जो प्रीसेट होता है, जो पावर सप्लाई में जो प्रीसेट होता है, इसकी भी ट्यूनिंग करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ कंटिन्यूटी लो और हाई शो करना चाहिए। तो यहाँ इस प्रीसेट की भी ट्यूनिंग करेंगे तो यहाँ जो है यहाँ कंटिन्यूटी लो और हाई शो करना चाहिए, यानी कि कभी कंटिन्यूटी शो करना चाहिए और कभी कंटिन्यूटी नहीं शो करना चाहिए। अगर ऐसा हो तो ये समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा हुआ फीडबैक स्टेज बिल्कुल ही सही काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग फीडबैक स्टेज की जाँच करते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो एसटीआर पावर सप्लाई होता है उसमें कोई कोई ऐसा पावर सप्लाई होता है जो केवल 110 वोल्ट पर ही उसका फीडबैक स्टेज काम करता है, तो केवल 110 वोल्ट की सप्लाई देना होता है। और कोई कोई ऐसा पावर सप्लाई होगा जिसमें 110 वोल्ट के अलावे भी सप्लाई जो है फीडबैक स्टेज के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ
उस सप्लाई को भी देना होता है। तो यहाँ जैसे ही सप्लाई दिए तो देखें कि यहाँ पर कटौती शो हो रहा है, और जब सप्लाई को जब काट देंगे या इसकी ट्यूनिंग करेंगे तो यहाँ कंटिन्यूटी शो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी हम लोग जाँच करते हैं। तो ये थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।